नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैंने जो ऑडियो टेक्निका का M40X ये जो हेडफोन्स मैंने ख़रीदा है उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं करने वाला हूँ, तो देखते हैं। दोस्तों, ऑडियो टेक्निका ATH M40X प्रोफेशनल मॉनिटर हेडफोन्स जो खास तौर से गाने मिक्सिंग के लिए या डीजे के लिए बनाए गए हैं। इनकी खास बात यह है कि इसका जो ड्राइवर साइज है वो 40 mm 40 mm का ड्राइवर साइज है और 36 ओम के ये हैं, और इनका जो सेंसिटिविटी है वो 98 dB है। दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम देख सकते हैं, ये एक मैनुअल है, ये अलग अलग भाषा में लिखा है, इसे मैं बाजू में रखता हूँ। उसके बाद ये एक और मैनुअल है जिसमें इस हेडफोन के किस तरह से कनेक्शन करने हैं इसके बारे में जानकारी दी है, इसे भी दोस्तों मैं बाजू में रखता हूँ। ये एक पाउच है जो दिखने में ऐसा लगता है कि लेदर का होगा मगर लेदर का नहीं है। और बाद में दोस्तों, ये है हमारे हेडफोन्स, ये काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी प्रीमियम लुक है दोस्तों इस हेडफोन्स का, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, तो इसे भी मैं बाजू में रखता हूँ और देखते हैं क्या है इस बॉक्स के अंदर। दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं ये एक वायर है जिसे प्लेन वायर कहते हैं, ये करीबन 3 मीटर लंबी है। इस वायर को हम बाजू रखते हैं और ये एक और वायर है जिसे कॉइल वायर कहते हैं, ये भी काफ़ी लंबी है, काफ़ी मजबूत है। और इसके आगे जो है ये 3.5 mm का स्टीरियो जैक पिन है और उसके आगे ये एडाप्टर पिन लगी हुई है, आप देख सकते हैं, जो कि बड़ी साउंड सिस्टम में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर 4 चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा 2 वायर्स हैं, ये एक पाउच है और ये हेडफोन्स हैं। दोस्तों, ये जो हेडफोन्स है इनकी खास बात ये है कि इस हेडफोन्स के अंदर जो लो फ्रिक्वेंसी है, मिड और हाई, यानी 3 तरह के जो फ्रिक्वेंसी होती है, लो, मिड और हाई, ये काफ़ी बैलेंस फ्रिक्वेंसी इसमें हमें मिलती है, यानी काफ़ी नेचुरल साउंड क्वालिटी हमें मिलती है इस हेडफोन्स के अंदर। तो ये हेडफोन्स के अंदर जब हम किसी सॉन्ग को मिक्सिंग करते हैं तो बिल्कुल डिटेल, यानी छोटे छोटे जो बारीक बारीक जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, या कहेंगे ड्रम्स हैं या हमारी आवाज़ है, वो काफ़ी क्लियर हमें सुनाई देती है। तो इस वजह से जब हम कोई सॉन्ग मिक्सिंग करते हैं तो काफ़ी डिटेल हमें उसमें सुनाई देते हैं, तो इसीलिए इस हेडफोन्स को मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो हेडफोन्स है इस तरह से ये फोल्ड हो जाते हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं, और जो पाउच दिया है उस पाउच के अंदर वो हम रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हेडफोन से इसकी एक और ख़ास बात है वो ये कि ये जो हेडफोन से ये जब हमारे कान के ऊपर हम बैठालते हैं तो जो आवाज़ है, जब हम कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें से आवाज़ बाहर आती नहीं है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस हेडफोन से आवाज़ बाहर आती नहीं है, और उस वजह से जब वो आवाज़ वापस माइक में जाके रिकॉर्ड नहीं होती है, तो ये इसकी खास बात है। इसके जो कप साइज़ हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ हैं, इसके ऊपर ये लेदर लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का लेदर है। ये जो हेडफोन्स हैं दोस्तों, ये प्लास्टिक के बने हुए हैं मगर काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है,
ये इसका लोगो है ऑडियो टेक्निका का, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पर ये आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट पैड ऊपर की तरफ दिया हुआ है ताकि जब हम इसे पहने तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये जो हेडफोन्स है इसके जो कप हैं वो आगे पीछे और ऊपर नीचे आप देख सकते हैं होते हैं। ये 90 डिग्री में घूम सकते हैं। इसकी जो खास बात ये है कि जो हेडफोन्स हैं वो 90 डिग्री तक बड़े आसानी से घूम सकते हैं। तो हमें जिस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हेडफोन्स की आगे की तरफ एक स्लॉट है उसमें हम ये जो पिन वायर है इस तरह से इसके अंदर डाल के हमें इसको लॉक करना है ताकि ये खींचने पर बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसमें टाइट हो गई है। तो इसके साथ जो आने वाली जो केबल है वो दो केबल जैसे आपने देखी है वो इसमें हम लगा सकते हैं। अगर ये केबल ख़राब भी हो जाती है तो दूसरी केबल हमें मिल जाती है और इसका जो प्राइस है 2,000 या 3,000 के करीब है। दोस्तों ये जो हेडफोन्स है मैंने अमेज़ॉन से करीबन 7,000 रुपये में इसको ख़रीदा है। इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। इसमें एक और चीज़ दी है कि हम इसका जो इसे इस तरह से आगे पीछे करके खींच के हम इसका सेटिंग कर सकते हैं ताकि जब हम इसे पहने तो अपने हिसाब से इसकी हाइट हम बढ़ा सकें। ये इसकी एक और ख़ास बात है। ये जो वायर आप देख रहे हैं कॉइल टाइप जो वायर है ये इस तरह से खींचने पर खींची जाती है और काफ़ी अच्छी वायर है ये। तो दोस्तों इस तरह से इस बॉक्स के अंदर ये हेडफोन्स और उसके साथ आने वाली चीज़ें हैं। मैं कहूँगा ये सबसे अच्छे हेडफोन्स हैं किसी सॉन्ग को मिक्सिंग करने के लिए। तो दोस्तों आपको मेरा ये अनबॉक्सिंग और रिव्यू कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। ये हेडफोन्स करीबन मैं 5-6 घंटे मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं और मुझे किसी तरह का कोई इससे दिक्कत नहीं आती है। तो आपको अगर अच्छे हेडफोन्स मिक्सिंग के लिए चाहिए तो मैं कहूंगा कि ये सबसे बेहतरीन है हेडफोन्स, तो आप ये ज़रूर ख़रीदें। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।